हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास किचन लैब। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बटर वाला कॉर्न। बारिश के मौसम में इसके कई जगह पर ठेले लगते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है, कॉर्न की रेसिपी इस घर पर बनना शुरू हो जाती है। तो आइए आज देखते हैं बटर वाला कॉर्न। बटर कॉर्न बनाने के लिए अमेरिकन कॉर्न के दाने, बटर, बारीक कटा हुआ धनिया, काली मिर्च, सादा नमक, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक बर्तन में मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। अब डायरेक्टली कॉर्न के दाने इसमें बॉईल कर सकते हो। बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड करिएगा। इसे मुझे स्टीम करना है, इसलिए मैंने एक स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर रखी है एक छन्नी। अब इस पे हम कॉर्न के दाने रखेंगे। कॉर्न के दानों को अगर आप पानी में बॉईल करते हैं तो इसे करीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। हम इसे स्टीम करेंगे तो इसे 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। बॉईल करने से दानों में पानी ज़्यादा भर जाता है और इस तरह स्टीम करने से ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही स्टीम करना है। रोड साइड पे जो बटर वाले कॉर्न मिलते हैं वो स्टीम वाले होते हैं, उसे बॉईल नहीं करते हैं। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है। अगर इसे आपको तुरंत ना खाना हो तो गैस की फ्लेम बंद करिए और इसे ढककर ही रखिएगा। अंदर पानी गर्म है तो ये 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से गर्म रहेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। बटर कॉर्न अमेरिकन कॉर्न से ही बनाया जाता है, इसे देसी मकाई से मत बनाइएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप कलर के लिए थोड़ी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। काला नमक, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। सादा नमक, काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे गर्मा गर्म ही खाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये स्ट्रीट फूड है। बारिश के मौसम में इसके कई जगहों पे ठेले लगते हैं। खाने के लिए तैयार है बटर वाला कॉर्न। गर्मा गर्म इसे सर्व करिए और बारिश के मौसम में इसे एंजॉय करिए। ये बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। थैंक यू।